जनपद मऊ ब्लॉक रतनपुरा ग्राम पंचायत छिछोर करौदी के ग्राम सभा करनी में 8 वर्ष से नाली का पानी जाम लगा हुआ है। नाली ना निकास होने के कारण शांति सहित लगभग 45 लोग आपस में झगड़ते लड़ते हैं, जिसके कारण इन लोगों को कोई समस्या न हो। मैं सतेंद्र और यह मेरा समुदाय काय खातिर जे इकट्ठा भेल बणजे इकट्ठा मन कहे से भेल बण जा के मन का नाली का निकास नहीं थी। आ हमर लड़का बना से छोट छोट गांव के परेशानी होता, लड़का में साइकिल लेके आवत न से गिर जाता न, सब पैदल गिर जाता न, सब आदमी घर द्वार हमारे ही जब लड़का हमार बीमार पड़ जाता न, हमनो का बीमार पड़ जाता जा हमन के बहुत बदबू मारता। प्रधान जी सुनते नहीं खा काला पर कहता ना कि जगह दे जा हमन का बना दिया जा। प्रधान कौन चीज खातिर भल बना जगह वो निकाली है कि जगह आदमी निकाली, उनके कई बार कहा चुका ला के जो देखू गई ना आ देख के चल जाता ना, कोनो एकर निकासे नहीं खे हो। अच्छा इन नाली जैसे तारी रुकाल बा एकर आगे जगह कहीं बा जगह बा प्रधान जी तो जनता बने कि जगह कहाँ से बा, ये थोड़ा बात नहीं कि प्रधान जी नहीं खा जाना, लेकिन प्रधान जी करत नहीं खा। उनके कहला पर कहा ना कि आदमी लगा दो हम पैसा दे दे, आदमी आदमी लगाई क्यों लगाई है काम न कर रही है। हमन का ये चाहता है कि नाली निकास हो जाए, हमन का गंदगी में पलत है जा। समस्या यह है कि जो गांव का नाली है, इस नाली के लिए हम लोग एक बार नहीं बार बार प्रयास किए, माननीय सच्चिदानंद प्रधान जी को बुलाए, श्री ब्रजेश सिंह जो कि वर्तमान प्रधान है इनको बुलाए, गांव के सम्मानित लोगों को बुला करके बार बार मीटिंग कराए, प्रयास किए कि गांव के जो पूरब साइड में एक चक्रूट है उस चक्रूट को पकड़वा करके और यह नाली चला जाए सीधे गढ़ई में, जो कि जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ से मात्र 150-200 मीटर की दूरी पर है, आराम से उसमें चली जाएगी तो पूरे गांव भर का आराम से निकास हो जाएगा। जो भी संक्रामक बीमारियां आज देख रहे हैं कि ये हमारे माननीय मोती चाचा बीमार हैं, ये बूढ़ी माता हैं जो इसमें फिसल करके गिर जाती हैं, इन सभी लोगों के सभी समस्याओं का ये कहीं निदान हो जाएगा खूब आराम से ये नाली का निकास करके। मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि ताकि इस नाली का निकास हो और पानी बाहर जाकर गिरे जिससे लोगों को राहत मिले। मैं वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि नाली बनने के लिए आप हमारी मदद करें। ब्लॉक वीडियो को फ़ोन करें इस नंबर पर 94-54-46-46-40 पर फ़ोन कर दबाव बनाएं ताकि नाली का निकास हो सके। मैं सत्येंद्र कुमार उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से इंडिया अनहट के लिए।